तो आज हम लोग देने वाले हैं हमारे गांव का टूर के साथ साथ एक और गांव का भी टूर। और गांव का नाम क्या है मिसाइल? जब आप ब्रिज से क्रॉस करेंगे ना, तब सबसे पहले आपको एक मस्जिद नजर आएगा जो कि आपका इस्तकबाल करेगा। भाई एक नंबर लोकेशन है, जबरदस्त यार, मूड फ्रेश हो गया इसको देखकर। कलेजे में हाथ रख के फोन को अपने डुबा रहा हूँ, ठीक है? अगर कुछ होगा तो फोन दे रहा हूँ इंशाल्लाह। नहीं यार, नहीं यार, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज है रमजान करीम का 9th रोजा और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये वाला रोजा भी बहुत अच्छे से जाए। तो दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 8 और अभी आप मौसम देख सकते हो, टकरा वाला थोड़ा धूप है आज, बहुत ज़्यादा मतलब धूप है आज। पता नहीं आज का रोज़ा कितना किसको तकलीफ देगा। उम्मीद है कि आप सभी का रोज़ा जो है वो अच्छे से जाए। तो अभी मैं जाता हूँ दुकान। सो दोस्तों, अभी बज रहा है दिन का 11। भैया जो थे वो दुकान आ चुके थे तो मैं सीधा घर आ चुका हूँ। तो अभी जा रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर जोर का नमाज भी पढ़ने जाना है। सो दोस्तों, अभी बज रहा है दिन का 12 और मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। तो चलिए, खाने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। सो दोस्तों, अभी बज रहा है 1, नाना वाना हो चुका है कंप्लीट और अभी मैं जा रहा हूँ जोहर का नमाज़ पढ़ने के लिए। सो दोस्तों, जोहर का नमाज़ हो चुका है कंप्लीट और अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि हम लोग आज आप लोगों को हमारे गाँव का एक छोटा सा टूर देंगे, बट नहीं हो पाया था क्योंकि आप लोगों ने तो देखा होगा बारिश हो गया था, उसके वजह से जो है वो प्लान को थोड़ा डिले करना पड़ा। तो आज अभी आप मौसम देख सकते हो थोड़ा क्लियर है। तो आज हम लोग देने वाले हैं हमारे गांव का टूर के साथ साथ एक और गांव का भी टूर। और गांव का नाम क्या है मुसाइब? बरुआ। बरुआ, बरुआ आज हम लोग जाने वाले हैं, आप लोगों को बरुआ का टूर देने वाले हैं। मैं जा रहा हूं, मेरे साथ में मुसाइब और हेलो गाइस, आशिक और वो फजलूर अभी किसी से बात कर रहा है। इधर इधर गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, इधर ये। तो दोस्तों, सफर जो है स्टार्ट हो चुका है। ये 4 बजे का कुछ हलचल ऐसा है यहाँ के, अब हमारे गांव का देख सकते हो आप लोग। तो यार वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, अभी बज चुका है 4। तो हमारा गांव का जो टूर है वो तो आप लोगों को हम कभी भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप बोलोगे तभी हम लोग अपने गाँव का टूर आपको दे सकते हैं। बट आज जो हम लोग जा रहे हैं बरुआ, क्योंकि यहाँ से जो है वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर के आसपास है बरुआ। तो सबसे पहले अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का टूर देंगे, क्योंकि हम लोग का रोज़ा भी है। तो रोज़े में है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा, तो वैसे रोज़ा जो है फिर ज़्यादा तकलीफ देना लगेगा। तो इसके लिए जो है हम लोग अभी सीधा बरुआ निकल रहे हैं। तो गाइस, ये देख सकते हो, ये है हमारे गाँव का ब्रिज है ये। जब आप ब्रिज से क्रॉस करेंगे ना, तब सबसे पहले आपको एक मस्जिद नज़र आएगा जो कि आपका इस्तकबाल करेगा, पहले ही स्वागत करेगा आपको कि आप मतलब आप बरमबरदा में आकर पहुंच चुके हो। तो वहां से आप लोगों को समझ जाना कि ये जो है ये बरमबरदा स्टार्ट हो चुका है यहां से। दोस्तों, हम लोग जा ही रहे थे बरुआ, तो एक दोस्त का फोन आया उतने में कि बोला मुझे छोड़कर कहां तुम लोग जा रहे हो, तो जहां पे हो वहीं पे रुको, मैं अभी जाकर वहां पे पहुंच रहा हूं 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी हम लोग यहां पे रुके हैं, तो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो आने से फिर हम लोग सफर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है वो लौंडा। हाँ, ये है लो लौंडा, वो आकर पहुँच चुका है इधर। सो दोस्तों, फिर से हम लोग का सफर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है बरुआ का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है ये, कुछ ऐसा है। फिलहाल के दिन में ये सबसे अच्छा लगता है ये, अभी अभी जो है ना मतलब हर दीवार में, हर स्कूल के दीवार में जो पेंटिंग जो कर दिया ना, वो काफी खूबसूरत लगता है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये है आदर्श स्कूल, ये भी बरुआ में ही है। ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, ये प्राइवेट है। ये अभी कुछ लड़कियाँ। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग जा रहे हैं एक बेहतरीन प्लेस में जा रहे हैं, वो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, ठीक है? ये थोड़ा सा सस्पेंस है वीडियो में।
हुए पाइप, और ये है वो लोकेशन, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो कितना प्यारा लोकेशन है, कितना प्यारा, हाँ 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 कितना प्यारा लोकेशन है भाई, कितना प्यारा लोकेशन है, इधर से देख सकते हो और इधर से भी देख सकते हो। बहुत देखो, ये देखो कितना, मतलब नीचे है, मुसाहिब बोल रहा है जाने के लिए, लेकिन नीचे जाना पड़ेगा इस रस्सी की मदद से, जो नीचे जाना पड़ेगा हमें, बट वो भैया आ रहे हैं, उनको हम लोग पूछने वाले हैं अभी, अगर वो हमको परमिशन देंगे उतरने का तो हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे उतरने के लिए, वरना नहीं करेंगे। ये देखो, ये उतरने की कोशिश कर रहा है गाइस, उतर जो लेकिन फटी रोजा लग जाएगा रोजा लग जाएगा नहीं यार, उतना बड़ा रिक्स लेना भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत ही नीचे है, ठीक है, अब इसको हल्के में मत लो, ये बहुत ही नीचे है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ वो जो दिख रहा है ना उधर जा रहे हैं भाई। एक नंबर लोकेशन है, जबरदस्त यार, मूड फ्रेश हो गया इसको देखकर, काफ़ी दिनों बाद इधर आ रहा हूँ। इसके बारे में बताऊँ तो ये एक बेसिकली फ़िशिंग स्पॉट है, हमारे जाजपुर ज़िले का शायद ये सबसे बड़ा फ़िशिंग स्पॉट है। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ मतलब फ़िशिंग करने के लिए, मतलब पिछले साल जो गया मैं, मतलब दो चार बार इधर आया हुआ हूँ फ़िशिंग करने के लिए। उस वक्त क्या होता था ना, उस वक्त जो है पानी जो है वो थोड़ा मतलब कम होता था, यहाँ तक नहीं होता था पानी उस वक्त जो पानी होता था वो सिर्फ यहीं तक होता था पानी, यहीं तक, ये जो आप देख रहे हो इधर राउंड होके, वहाँ तक पानी नहीं होता था, पानी सिर्फ यहाँ तक, और भी बहुत मतलब नीचे की तरफ पानी होता था, इधर नीचे की तरफ और भी पानी होता था जब मैं इधर फिशिंग करने आता था। और इस जगह का जो नाम है तातीघाई, इसको लोग मतलब तातीघाई से नाम से जानते हैं भाई, बहुत खतरनाक जगह है ये, नीचे देख सकते हो। ओह हो, ये देखो यार कितना क्लियर पानी है, पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है, वाह 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 वाह। हाँ ये देख सकते हो दोस्तों, ये दो भाई हैं जो फिशिंग कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो अभी हम लोग उनके पास जा रहे हैं, देखते हैं कि वो कितना क्या फिशिंग किए हुए आज। इसको क्या हुआ, भाई ये कितना साल का होगा, 6 महीने का। तो भाई ये देख सकते हो, ये जो भैया हैं यहाँ मछली पकड़े हुए हैं, दो हैं ये देख सकते हो गाइस। सो दोस्तों मेरा जो फ़ोन है अभी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, ये एक आईफोन 13 है, तो ये क्या है ना मुसाहिब, और ये लौंडा, और ये मतलब बोल रहा है कि इसका हमको ड्रॉप टेस्ट दिखाओ, कि इसको पानी में डुबा कर दिखाओ, तो मैं नहीं डुबाने वाला हूँ, क्योंकि फ़ोन सबको अपना प्यारा होता है, मुझे पता है कि ये वाटर प्रूफ है, लेकिन मैं फिर भी नहीं डुबा के दिखाओ मजा। अच्छा डुबा के दिखाओ, तो चलो इनको अभी हम वाटर टेस्ट दिखाई देते हैं। है? कलेजे में हाथ रख के फोन को अपनी डुबा रहा हूँ, ठीक है, अगर कुछ होगा तो फोन देना इंशाल्लाह। तो ड्रॉप टेस्ट अभी हम लोग करने वाले हैं फोन का। ए रुक रे, नहीं यार नहीं यार नहीं बोलिया। ये देखो गाइस कैसा आ रहा है, बताना जरूर। हो गया, जिंदा है। तो दोस्तों आज अपने फोन को फर्स्ट टाइम वाटर ड्रॉप टेस्ट वो किया हुआ हूँ यहाँ पे ही, तो यार मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। खैर अभी हम लोग, अभी बज रहे हैं 5, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। ये देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा आम है यार, वेरी नाइस भाई। हाँ ये देख सकते हो दोस्तों कैसे ऊपर आ रहे हैं।
चाचा यहाँ से। तरीका देख रहे हो ना चढ़ने का उधर। पकड़ ले। कौन सा? ये तीनी खंड हो। लैंडिंग प्रोसेस। हाँ नहीं। हाथा दाखन। हाथा दाखन। नहीं नहीं। माचा दे दो। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं घर। मैं वहाँ से सीधा दुकान आ गया था तो बहुत लेट हो गया दुकान आने में और अभी बज रहा है 6। तो अभी हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं। ये देख सकते हो रोज़े में आज यह है बड़ा और ये है ओनियन फ्राई है और ये कस्सा है और ये हो गया चना और ये हो गया दाल और ये तरबूज और ये है ORS। तो चलो फटाफट से जो इफ्तार जो है वो कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी बज रहा है रात का 8। मैं दुकान से घर आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ शाह का नमाज़ पढ़ने के लिए, साथ में तरावी भी पढ़ना है। सो आज का आप लोगों का रोज़ा कैसा गया? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। और आप लोगों का कैसा गया? और आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए और फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।